नजर आए गड्ढे में। जी हां, हरदोई के जिला ब्लॉक भारखेनी के अंतर्गत गांव हसनापुर में कई सालों से सड़क खंडहर बन चुकी है, जिसके बारे में कई बार प्रशासन को सूचित भी कराया गया है, मौखिक और लिखित रूप दोनों से, लेकिन शासन के द्वारा अभी तक सड़क निर्माण के लिए कोई भी कार्य नहीं करवाया गया है। गांव वालों का कहना है कि कई बार सांसदों और विधायकों को भी सड़क निर्माण के लिए अवगत कराया गया है, लेकिन इलेक्शन होता है तभी सांसदों और विधायकों को नजर आते हैं गड्ढे, उसके बाद नहीं ली जाती है गांव वालों की कोई भी सुध। देखिए हसनापुर हरदोई से रंजन सिंह की यह रिपोर्ट। हरदोई जिले के ब्लॉक भरकनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत हसनापुर में आज से 5-6 साल पहले एक गड्ढा रोड पे खंडेर हुआ था, जिसके लिए शासन प्रशासन को मौखिक व लिखित सूचना दी गई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गांव के आवागमन में बाधा पहुंच रही है। बराबर एमएलए गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। ये कितने साल से यहां गड्ढा है? 5-6 साल हो गए। इससे आप लोगों को क्या कमी महसूस हो रही है? कैसा लग रहा है निकलने में? बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छी अच्छी, आपको यहाँ से निकलते हैं, आप किधर से जाते हैं? इधर से बहुत मुश्किल हो ही रही है भाई, गड्ढा है, 5-6 साल हो चुका है यहाँ। लोगों का बताना है कि 5-6 सालों से यहाँ पे गड्ढा है, जो कि विधायक व शासन को लिखित सूचना दी गई, अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जो कि भाजपा सरकार का कहना था कि 5 साल में हम प्रत्येक रोड को गड्ढा मुक्त कर देंगे, जबकि ये 5-6 सालों से टूटी हुई गड्ढा, ये देखिए कितने बड़े बड़े खंडेर हैं, जिसमें आदमी को निकलना मुश्किल, बांध कैसे निकल सकते हैं, देखिए खंडेर, ये है खंडेर, देखिए ये ग्राम पंचायत हसनापुर की हालात, ये पिछले 5-6 सालों से गड्ढा है, अभी तक कोई शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया इस पे। देखिए ये देखिए पूरी रोड में इतना बड़ा खंडेर, ये है ग्राम पंचायत हसनापुर। रंजन सिंह की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल।